दोस्तों, आज हम जानेंगे मथुरा शहर के इतिहास के बारे में और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इस खूबसूरत शहर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आने लगता है। यमुना किनारे बसा यह शहर अपनी एक से एक पुरानी कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर तो आप इस शहर में देश से आए तकरीबन हर जगह से भक्तों को यहाँ पूजा पाठ करते हुए देखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और मथुरा से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शहर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और मथुरा से जुड़े कुछ रहस्यों से भरे इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शहर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें आप जानने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उसके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी रोमांचक वीडियो की रोज अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं दोस्तों। इस खूबसूरत जगह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, श्री कृष्णा जी का। दोस्तों, यमुना किनारे बसा यह शहर अपनी एक से एक बढ़कर पौराणिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से युक्त मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल माना कहा है। मथुरा के समृद्ध इतिहास को आप वास्तुकला और कला की विशाल श्रृंखला के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप इस शहर की खूबसूरती को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ त्योहार के दौरान घूमने के लिए आए आपको यहाँ एक से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगहें घूमने को मिलेगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ घूमने के लिए यमुना नदी के साथ बाजार भी है। जी हाँ, आपको काफी अनोखी चीजें देखने और खरीदने को मिलेंगी। अगर आप मथुरा में मंदिरों के साथ साथ कुछ बेहतरीन जगहों पर भी घूमना है तो थोड़ी देर के बाद हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर, यह जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के माता पिता माता देवकी और वासुदेव को उनके चाचा कंस ने कैद करा था। हिंदुओं के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। जेल की कोठरी के अलावा कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर के भीतर देवताओं को समर्पित आनंद मंदिर स्थित है। इस मंदिर को कई बार राजाओं दतोड़ा और बनवाया गया। अंततः इसे उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से बनवाया गया। जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, होली और दिवाली जैसे त्योहारों के समय यह जगह और ज्यादा मनमोहनी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर में आपको सुंदरता और वास्तुकला के लिए जरूर घूमने जाना चाहिए। प्रवेश राजस्थानी शैली की वास्तुकला का दावा करता है, जिसमें केंद्र में एक खुले आंगन के साथ खूबसूरती से नक्काशीदार खंभे और एक शानदार चित्र छत है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि ऐसी वास्तुकला आपने पहले नहीं देखी होगी। साल 1814 में निर्मित मंदिर अपेक्षाकृत नया है लेकिन अत्यधिक पूजनीय भी है। ध्यान रखें कि यदि आप जन्माष्टमी के त्योहारी मौसम के दौरान जाते हैं तो आपको मंदिर की खूबसूरती सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगी। मथुरा शुरू में रंजन संग्रहालय पुरातत्व के रूप में जाना जाने वाला सरकारी म्यूजियम मथुरा चैंपियन पार्क में बना हुआ है। वर्ष 1874 में निर्मित मथुरा म्यूजियम मथुरा और आसपास के क्षेत्रों से मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों, चित्रों, कलाकृतियों, सोने या चांदी और तांबे के सिक्कों में और भी बहुत सारा एक बड़ा संग्रह है, जिन्हें समेटे हुए है म्यूजियम मथुरा और उसके आसपास प्रसिद्ध पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजों को भी हमेशा प्रदर्शित करता है। आप इस म्यूजियम को फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं, जहाँ आपको काफी पुरानी और शानदार चीजें देखने मिलेगी। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर स्थित किला मथुरा में एक प्राचीन किला है जो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को अर्पित है। कृष्णा गंगा घाट और गौ घाट के पास स्थित यह किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण के रूप में बनाया था।
कंस का किला देख रेख न करने के कारण खराब अवस्था में खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी पर्यटक इस देखने के लिए यहाँ आते हैं। किला, जिसे मथुरा का पुराना किला कहा जाता है, महाभारत के समय का है और उसकी दीवारों को मजबूत से मजबूत बनाया गया है। शताब्दी में आमेर के राजा मानसिंह द्वारा कंस के किले को फिर से निर्मित किया गया था और बाद में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने एक वैधशाला बनाने का हुक्म दिया। मथुरा में तिलक द्वारा द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के आसपास का एक स्थानीय बाजार है। इसे पवित्र द्वार के नाम से माना जाता है। बाजार कम कीमत पर पीतल की मूर्तिमाला, हस्तशिल्प पेंटिंग, मूर्तियां और हाथ की कढ़ाई वाली वस्तुएं, जैसे क्रिकेट के लिए जानते हैं। प्रसिद्ध ब्रजवासी मिठाई वाला की दुकान भी तिलक द्वार पर उपस्थित है। इस बाजार में बहुत सारे धार्मिक जगह है जहां आप विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। वृंदावन के करीब स्थित गोवर्धन है, भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। गोवर्धन पहाड़ी या गिरिराज वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। पवित्र भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके सभी उपासक पहाड़ी की चट्टानों को पूजते हैं जैसे उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी है और 38 किलोमीटर की परिधि के साथ 80 फीट ऊंची है। मानसी गंगा मुख अरविंद और दान घाटी स्थित पहाड़ियों की यात्रा करने के लिए कुछ दिलचस्प स्थान है। इस पहाड़ी को बेहद पवित्र मानते हैं और गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा पर भक्तों द्वारा पहाड़ के चारों ओर है किलोमीटर नंगे पैर चलकर भक्ति की जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा अपने गांव को बचाने के बाद उन्होंने सभी को पहाड़ी की पूजा करने के लिए बोला था। इस वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन बाद की जाती है। दोस्तों, राधा कुंड के नजदीक स्थित कुसुम सरोवर मथुरा के प्रमुख स्थानों में से एक है। यह सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 60 फीट गहरा माना जाता है और इसका नाम राधा के नाम पर कुसुम सरोवर पड़ा। राधा इस सरोवर के पास कृष्ण से मिलने आती थी। सरोवर का पानी शांत और शुद्ध है, इसमें कई लोग डरते भी हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली आती है, जिसे कई पर्यटक अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। वैसे तो मथुरा में श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं, पर हम उन्हीं मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानी थोड़ी अलग है। सबसे पहला मंदिर है कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की याद में एक मंदिर बनवाया। आम लोगों का कहना है कि यहां से मिले शिलालेख पर धर्म में लिपि में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि सूर्यदास के राज्यकाल में वस्तु नाम के एक व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर तोरण द्वार और एक वैदिक बनवाया। दूसरा मंदिर विक्रमादित्य द्वारा बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में हुआ था। यह काफी भव्य मंदिर था। उस दौरान इस मंदिर की स्थापना संस्कृति और कला के रूप को दर्शाती थी। उस दौरान यहां हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था और यह विजयपाल देव के समय में बना तीसरा मंदिर खुदाई में मिले संस्कृति के एक शिलालेख को देखने के बाद पता चला है कि तीसरी बार मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने किया। उसने काफी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ दिया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जरा यह बताइए कि आप कहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने यह जाना कि मथुरा का वातावरण काफी शांत है और इसी कारण मथुरा को ब्रज भूमि भी कहते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे मंदिर हैं। मथुरा में स्थित वृंदावन को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के लिए भी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, मथुरा के बारे में और भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता या पता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मथुरा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको कैसी लगी वीडियो,
हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक कर दें और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।